तो हे गाइस, क्या आपके पास भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है तो आपके साथ भी हो सकता है फ्रॉड। कैसे होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट से पैसा फ्रॉड, आज की इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट से इस तरीके से फ्रॉड किया जाता है कि आपको डायरेक्ट कॉल आएगा। जैसे ही आपको कॉल आएगा तो आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद बता देगा आपका नाम, आपके पिता का क्या नाम है वो भी बता दिया जाएगा, और आपका एज कितना है वो भी बता दिया जाएगा, आपका पूरा एड्रेस बता दिया जाएगा, आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट भी बता दिया जाएगा। तो आप समझ लेंगे कि जो बंदा आपको कॉल किया वो जेन्युइन है, वो सही में ब्लॉकीय स्तर से या कोई विभाग से मुझे फोन किया है और वो बंदा रियल है। उसके बाद आपसे बोला जाएगा आपको कि अपना बैंक खाता देना है। तो आप जैसे ही स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल या ग्रामीण बैंक या कोई भी बैंक अकाउंट आप देते हैं तो वो मना कर दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट ही देना है, अदर पे पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि आपका बोल दिया जाएगा शुरू में ही कि आपका 10,000 रुपए आया है कृषि विभाग से जो आपको ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ही अकाउंट दे। और जैसे ही आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट देते हैं उसके बाद आपसे एक ओटीपी लिया जाएगा, ओटीपी आप देते हैं, उसके बाद जो भी आपके बैंक में अकाउंट में बैलेंस होगा वो सारे वो अपने अकाउंट पे ले लेंगे, वो सारे पैसे निकाल लेंगे और आपके साथ हो जाएगा फ्रॉड। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट नहीं हो तो आपको क्या बोला जाएगा, क्या आपके घर में किसी भी सदस्य का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट है तो आप उसी का दे दीजिए, हम उसी पे ट्रांसफर कर देते हैं। आपका पीएम किसान का पैसा आया हुआ है या इनपुट अनुदान का, बहुत सारे ऐसे बोल दिया जाता है, लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं कि हाँ हो सकता है कि सही में पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा, हम ये खाता देंगे तो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि लोग समझते हैं खाता नंबर देने से कौन पैसा टाल लेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अगर आप अकाउंट नंबर देते हैं और एक ओटीपी देते हैं उसके साथ शेयर करते हैं तो आपका पैसा फ्रॉड हो जाएगा, 100% श्योर है। अगर इस तरीके से आप भी किसी को भी कॉल पे डिटेल देते हैं तो आपका जो कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। अगर कोई भी विभाग से फोन आता है तो आपको वहां बुलाया जाएगा, ना कि आपको ऑनलाइन कोई भी डिटेल्स लिया जाएगा। तो अगर आपको भी इस तरीके से कॉल आता है कि आपका पीएम किसान का पैसा रुक गया है, केवाईसी करना पड़ेगा या कुछ भी ऐसा बोला जाता है, तो आप इस चक्कर में ना पड़े, डायरेक्टली आपको अगर रियली में कोई कॉल किया होगा तो आपको ब्लॉक पर बुलाएंगे, ना कि आपको ऑनलाइन कोई भी डिटेल्स लेंगे। तो इस चक्कर में आप ना फंसे और किसी को भी अपना डिटेल्स शेयर नहीं करें, नहीं तो आपके साथ भी हो जाएगा फ्रॉड। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह जानकारी काफी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको भी इस तरीके से फोन आया है, और नहीं आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलता है अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।